जैन साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज मैं कुलदीप आपको लेकर उपस्थित हूं, जो कि हम पढ़ा रहे थे औसत आपको। तो इसमें आज हम बताएंगे सम संख्याओं का एवरेज अगर दिया हो तो कैसे छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, या फिर सम संख्याओं का कैसे औसत ज्ञात करते हैं। ठीक है साथी, तो साथियों आपसे एक निवेदन है, गले में थोड़ी सी खराबी है तो जो आवाज़ है उसमें अगर वॉइस प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोगों की मोहब्बत है कि हम आपके सामने हैं दोस्तों, बार बार कहना पड़ता है, लेकिन हाँ रियली यही है दोस्त, दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं मेरे भाई, और अपने इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ते हैं। तो सच बता रहा हूँ कि दिल में इतने इतने खुशी आती है ना कि क्या बताएं आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैं क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, ये छोटी वीडियो है, जैसे लिखा है कि लगातार प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, लगातार प्रथम, प्रथम का मतलब ये कहा है मेरे भाई कि दो से, ठीक है, दो से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 40 तक। जैसे ये एन का मान दिया 40, ठीक है, तो ये 40वां पद कौन सा होगा, तो 80 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एन बराबर 40 दिया हो, 40, तो लास्ट पद होगा 2n होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 80। ठीक, अगर इसका क्या औसत क्या होगा, तो आप ये देखो क्या है, सीरीज में है। ठीक है, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, दो दो का सेम का है। तो हमने आपको बताया था कि औसत बराबर होता है प्रथम पद 2 और लास्ट पद 80 हो गया और बटे 2 होता है मेरे भाई, ये हो जाएगा 82/2 बराबर हो जाएगा 41। ठीक है, ये औसत आ गया। दूसरा तरीका अगर आपको ज्ञात करना है तो वो क्या होगा, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरा तरीका में आप ये कर सकते हैं कि जैसे कहा है कि 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो n बराबर दे दिया 40 आपको। ठीक है, तो औसत क्या होगा, इधर भी संख्या रहा होगा, इधर भी बीस संख्या रहा होगा। ठीक है, औसत बीच में रहा होगा कहो हाँ। तो जब इधर बीस संख्या रहा होगा, दो से स्टार्ट होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो 20वां नंबर क्या आएगा, तो 40 आएगा। फिर 40 के बाद 42 होगा, तो औसत क्या होगा, 40 और 42 के बीच में ही होगा, जो कि 41 होता है। सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? ये आपका लाइन वाला से, ये आपका ट्रिक है, लाइन वाला कैसे लगाते हैं इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक क्या है, ये है। या फिर दूसरा तरीका आपका ये है कि आप एस एन बराबर, जो एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर योगफल निकालेंगे आप, तो एन बाई टू ए प्लस एल। ए क्या है, एन का मान, मतलब 40 पदों तक है तो एन हो गया। ए क्या है, प्रथम पद, तो 2 होता है। एल क्या है, तो एल का मान आएगा यही 40 वाला, जब रखेंगे आप तो लास्ट पद क्या आता है, या फिर ये भी होता है एस एन बराबर, अगर आपको लास्ट पद ना पता हो तो एन बाई टू होता है, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना, सर्वांतर है, इनके बीच का जो अंतर दो दो का है वही डी का मान है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह भी आप योगफल में निकाल के फिर 40 से अगर भाग दे देंगे आप, 40 मतलब यन से, तो आपका ये आ जाएगा औसत का सूत्र, यानी कि औसत का सूत्र आ जाएगा ए बी इक्वल टू, यहाँ से अगर करेंगे आप तो 2a और फिर हो जाएगा प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे 2a, a का मान क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 × 2 करेंगे आप, अब प्लस करेंगे, n का मान 40 है, 40 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 39। ठीक है, इंटू 2, तब मेरे भाई तब आपकी हो जाएगा 4 प्लस, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ से हम यहाँ पर रख के लगाइए। देखिए, जैसे n से n डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, n पदों तक, यहाँ पे n से n डिवाइड हो जाएगा, हम डिवाइड नहीं किए थे, यानी कि ये आपका फार्मूला बनेगा a प्लस एल बाई टू, ये औसत का सूत्र है। ठीक है, या फिर आपका फार्मूला ये भी बन सकता है, वहाँ पे गलती ये हुई थी, सही तो है, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है,
हाँ मेरा भाई सही है यार। अब एक्चुअली ना तबीयत सही नहीं है ना, इसी वजह से देखो 41 आ रहा है। ठीक है, तो आपका एवरेज क्या होगा? 41 होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या सही है देख के मैं बता रहा हूँ अभी। ऑप्शन नंबर दिया है मेरे भाई C4, चाचा हमारे विधायक हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लिखा है कि 104 और 148 के बीच के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसके अल्फाज को समझिए आप। कहा है कि 104, ठीक है, और 100, यहाँ पर लिख दिया 108 के बीच मेरे भाई, यहाँ से इनके बीच, इनके बीच में कौन सा होगा? 106 होगा। ठीक है, और यहाँ से इसके जस्ट बीच सम संख्या कैसा होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो 106 तो होगा इसके ये वाला, तो इसका औसत ज्ञात करना था यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने बताया था कि जब कोई श्रेणी एक सीक्वेंस में हो, समांतर श्रेणी में हो, तब आप क्या करते हैं? औसत बराबर तब आप करते हैं मेरे भाई, औसत बराबर तब आप क्या करते हैं कि प्रथम पद को 106 को, और फिर सॉरी 148 है ये, ठीक है, तो 108 हो जाएगा 46, और लास्ट पद को 146 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 हो गया, ये हो जाएगा 5, 2/2 हो जाएगा, 2 2 2 4 2 6 12, 126 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है D4 देवसेना। ठीक है, तो इस तरह आप लगा सकते हैं, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका मेरे भाई। या तो फिर आप फार्मूला से लगाएंगे तो योगफल निकाल के फिर आप पदों की संख्या से डिवाइड करेंगे, जो कि आपको हमने बताया था SN बराबर जो होता है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लगा सकते हैं, योगफल हो गया, फिर पदों की संख्या से आप भाग देंगे तो वही आएगा A+L/2 ही आएगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिए मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया SSC CGL 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। हमने क्या बताया था आपको कि जो औसत दिया होता है तब आप लाइन वाला जो मेथड में बताया हूँ आपको, लाइन ऐसे खींच लीजिएगा 4, तो 4 संख्याओं का औसत, तो हमने क्या बताया था कि औसत जो होता है बीच में होता है, तो 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, तो बीच वाला यहाँ पर एक मान लिया। ठीक है, तो 4 क्रमिक सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम संख्या है मेरे भाई, सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है या 2 के से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो सम संख्या जो हो गया तो इसका औसत दिया 27। ठीक है, तो ये 27 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है? 28 होता है, तो 28 देखो सम संख्या है, फिर 28 और 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है, या 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 का होता है मेरे भाई, तो देखो 2 2 का अंतर होगा, तो ये 28 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये 28 है तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो जो पूछे आप बता दीजिएगा, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ा संख्या कौन सी है? 30 है बड़ी संख्या। ठीक है, और ये छोटी संख्या हो गया आपका, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ना, सबसे सबसे छोटी ये हो गया, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो गया, सबसे छोटी संख्या 24 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है मेरे भाई C4, चाचा आपके दरोगा हैं, तो आप भी दरोगा बनिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी भाई जल्दी से जल्दी कोई ना कोई वर्दी अपने कंधे पे या अपने शरीर पे पहन लें, क्योंकि मेरे भाई या पुलिस बनते हैं आप तब भी मुझे बहुत खुशी होगी, या दरोगा बनेंगे तब तो और खुशी होगा मेरे भाई। इसलिए मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जल्दी से कामयाब हों, और अपने इस परिवार को जल्दी से जल्दी आप लोग और कामयाब करें और प्यार दें मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह आप लगाइएगा क्वेश्चन। अब देखिए लिखा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, बस ऐसे ही लाइन वाला जो आपका सिस्टम ने बताया था आपको, तो 2 इधर कर दिए तो बीच में आएगा ये 15, ये औसत है। ठीक है, तो 15 के बाद आपका होता है 16, ये हो जाएगा 18, क्यों? क्योंकि इनके बीच का 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12, तो जो पूछा हो तो बताइएगा। तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो ये तो है दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी
संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, डी फॉर देशन। आप इसे ध्यान से दीजिएगा क्योंकि कुछ लोग 18 को मार के चले आएंगे और उनको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम सही करके आए मेरे भाई, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा पूछा है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, तब जाके इसे लगाइएगा, क्योंकि 18 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन में चारों ऑप्शन में दिया है, 12, 14, 16, 18, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। लगातार 5 सम संख्या है, ठीक है। तो लगातार कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है और क्या ई है। तो हमने क्या बताया था कि लगातार अगर सम संख्या हो और उसका औसत दिया हो तो बीच वाला जो होता है आपका वही होता है औसत। तो दिया है 52, ये 52 औसत दिया है, तो इसके जस्ट क्या होगा, 54 होगा, और जस्ट इसके बाद 56 होगा। क्यों, क्योंकि दो दो का डिफरेंस होता है मेरे भाई। इसमें से दो जब घटाएंगे आप तो 50 होगा, 50 में से दो घटाएंगे आप तो 48 होगा, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, बी और ई का गुणनफल, तो बी गुणे ई, तो मान रख दीजिए बी का मान 50 है और ई का मान 56 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई करना भी हमने आपको बताया था कि अगर 50 से इर्द गिर्द जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, देखो ये कि आप 50 से 6 अधिक है, तब क्या करना आप मेरे भाई, तब आप इसे क्या करना, 50 में से घटाते हैं, ठीक है। तो 50 में से नहीं जोड़ते हैं सर ना, कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, 0, 5, 6, 30, ठीक है, और 5, 25, 3, 28, ये 2800 आपका आंसर होगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है आपका डी फॉर देश है ना, ठीक है। तो इसे आप करके आइएगा मेरे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन पूछा RRB 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये लिखा है मेरे भाई कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, ठीक है। इसे अगर लगाने का एक और अगर तरीका आपको अगर पता हो, वह ये तरीका है कि इसे अगर x मानेंगे तो इसे x+2 मानेंगे, ठीक है, और इसे क्या मानेंगे आप, x+4 मानेंगे, या फिर इस तरह भी मान सकते हैं आप, अगर इसे x मानेंगे तो इसे x-2 मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे, x-4 मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे मेरे भाई, x+2, और इसे x+4 मानेंगे। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं लाइन वाला सिस्टम आपको बताता हूँ कि जो औसत होता है या माध्य होता है सदैव बीच में होता है मेरे भाई। कहने का मतलब ये होता है औसत, औसत क्या होता है, सभी को समान अगर दिया जाए, जैसे किसी चीज़ को अगर समान रूप से बांटा जाए, तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली मीडियम, मतलब कि ये क्या है, देखो 52 क्या है, देखो इसमें क्या है, ये 52 से 2 कम है, 52 से 4 कम है, तो ये उतना ही ज़्यादा होगा, देखो ये 2 अधिक है, ये 4 अधिक है 52 से, तो ये बैलेंस कर दे रहे हैं, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। एक्चुअली कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर इसको देखो 52 इसको चाहिए तो ये 2 इसको दे देगा तो ये भी 52 हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 उठा के अगर इसको दे देगा तो ये भी 52 हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा, 56 कम हो जाएगा, तो सभी को देखो 52 इसको मिल जाएगा, 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 तो औसत होता है ये। लेकिन रियली में ऐसा नहीं हो रहा है, रियली में ये हो रहा है कि इसको ज़्यादा मिल रहा है तो इसको कम मिल रहा है, ठीक है, ऐसी बातें हैं, तो उसे औसत कहते हैं। अब देखो आ गया है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, लाइन वाला सिस्टम से आप लगाइए, लाइन वाला जो तरीका है बहुत बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा आपके रीजनिंग एंड मैथ वाले पे, ये तरीका और भी जगह मिलता है, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी आपको बताएंगे ये तरीका बेहतरीन। देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो जो चौथा नंबर होगा यही औसत का काम करेगा, और लगातार सम संख्या मेरे भाई, लगातार क्या है, लगातार सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या का जो क्वालिटी, जो इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, गुण क्या होता है, लगातार सम संख्या मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और उसका औसत क्या है 40। तो देखो 40 के जस्ट बाद वाली संख्या 42 होगा, और 42 के जस्ट बाद वाला 44, और 44 के जस्ट बाद वाला 46, ये सब सम संख्याएं हैं मेरे भाई। अब इसे घटाते जाएंगे, जैसे हम कह दें 38,
सम संख्या, 36 सम संख्या, 34 तो सम संख्या। लेकिन पूछा क्या है सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी सम संख्या आपकी सबसे बड़ी 46 होगा, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये है 46, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, सी फार चाचा आपके दरोगा हैं, ठीक है। अगर ये पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 34 है। यह भी पूछता है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई 44 है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप या तो 46-34 करके लगा लीजिएगा, या फिर एक तरीका हमने आपको ये बताया था, जैसे अगर लिखा है सात संख्याएं हैं, अगर ये पूछे बड़ी और छोटी के बीच का अंतर क्या है, तो आप कुछ मत करना, सात संख्याएं हैं, ये फार्मूला होता है कि n-1 × 2, कब, जब सम विषम हो तब दो का मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रमागत संख्या होगी तब एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो n क्या है, पदों की संख्या क्या है, सात है, तो सात में से एक घटाएंगे मेरे भाई, और दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6×2=12, ये आंसर देखो अंतर हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप अच्छे से करके आइएगा, और आप सब लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और बेस्ट आप लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं मेरे भाई, उन सभी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, और आप अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कीजिएगा, जिससे ये मुझे एहसास हो जाएगा कि मुझे और अच्छे से तैयारी करना है। वैसे भी मैं सीख ही रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि और बेस्ट बनाऊँ, लेकिन स्वास्थ्य का ऐसा थोड़ी सी दिक्कतें हैं हमारे गले में कि आवाज़ उतनी अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रही है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कोशिशें हैं कि और अच्छा बनाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर कल मिलेंगे आपको एक बेहतरीन वीडियो के साथ, इसी चैनल आपके परिवार परिजन एंड मैथोलॉजी से, राम बाला कहते हैं साथियों, तो धन्यवाद मेरे भाई।